डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2O2 इन 2MnO4 माइनस प्लस 5H2O2 गिव प्लस 6H+ गिव्स 2MnO2 प्लस 5O2 प्लस 8H2 और 17, 34, 68, 85 दिया हुआ है। किसका पूछा है? H2O2 का पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर H2O2 जो होता है उसको आप दो तरह से कंपेयर कर सकते हो। H2O2 से आप O2 को कंपेयर कर सकते हो, H2O2 से आप H2O को कंपेयर कर सकते हो। कुछ भी आप करोगे तो इक्विवेलेंट वेट को आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिकुलर वेट बाय एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है? एन फैक्टर जो होता है वो जितना इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है, चेंज इन इलेक्ट्रॉन आता है पर एटम, तो उतना आप जो होता है इसका एन फैक्टर देख लेते हो कि क्या है। तो चलिए यहाँ पर इससे हम कंपैरिजन करते हो, फिर इससे भी एक कंपैरिजन दोनों से कर लेते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर O2 से कंपैरिजन करें कि H2O से कंपैरिजन करें। किसी से भी करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि आंसर एक ही आना है। चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे H2O2 जो है वो चेंज हो रहा है O2 में। हमने ये ले लिया, पहला केस ले लिया, H2O2 चेंज हो रहा है O2 में। अब ये है क्या? ये जो है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड है। ये क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड है। और हाइड्रोजन परऑक्साइड है तो इसका मतलब ये कि इसमें परऑक्साइड बॉन्ड है। ये वाला बॉन्ड जो होता है वो परऑक्साइड बॉन्ड कहलाता है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है तो माइनस वन आएगा, ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डेड है माइनस वन आएगा। बात समझे ना? तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट परऑक्साइड में क्या होती है? माइनस वन होती है। इसीलिए आप इसको O2 2- भी लिखते हो। चलो ठीक, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? माइनस वन। बट यहाँ तो ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, तो कितना हो गया? जीरो हो गया। अब आप इसके एटम देखो कितने एटम हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि O-1 O-1 दो एटम हैं। तो एक एटम जो होगा उसमें चेंज कितने का हो रहा है? वन का। एक एटम में इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हो रहा है? वन का। तो दूसरे एटम में भी कितने का चेंज हो जाएगा? वन का। तो इसका मतलब है कि टोटल एंड फैक्टर यहाँ पर कितना आ जाएगा? टू आ जाएगा। बात है समझ में? तो यहाँ पर एटम आपको देखना है इन्हें मॉलिक्यूल, और एक एटम में चेंज हो रहा है वन का, और तो दो एटम में चेंज हो गया टू का, यानी एन फैक्टर यहाँ पर टू आ गया। चलिए अब हम H2O से देख लेते हैं। तो देखिए H2O2 जो होगा वो चेंज हो गया H2O में, ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? माइनस वन है। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस टू है। कैसे है भाई? आपको याद आ रहा है कि वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, दो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस टू हो जाएगा। सही है, ठीक है। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? दो हैं, ठीक है ना। अब एक जो है उसमें चेंज कितने का हो रहा है? वन का चेंज हो रहा है। तो दूसरे में भी चेंज होगा, वो कितने का होगा? वन का होगा। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो दो एटम थे ऑक्सीजन के, बट यहाँ पर तो एक ही एटम है, तो भाई इसको बैलेंस करने के लिए आप 2H2O कर सकते हैं। बात समझे ना?
हमेशा ध्यान रखना कि रिएक्टेंट जिसके जिसके ऊपर इफेक्ट को देखना है, जिसके चेंज देखना है, उस पर कितने एटम है वो देखना होता है, क्योंकि अल्टीमेट तो आप एक बैलेंस रिएक्शन करोगे ही, लिखोगे ही। अल्टीमेटली जब आप रिएक्शन लिखोगे, केमिकल रिएक्शन, तो बैलेंस्ड होगी, तो वहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जो उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, तो सब काउंटर बैलेंस हो जाएगा। बात समझे ना? तो यहाँ पर भी एटम जो होगा वो चेंज जो आएगा वो कितने का आ जाएगा, टू का आ जाएगा। भाई यहाँ माइनस वन था, माइनस टू, तो वन इलेक्ट्रॉन का चेंज, यहाँ पर भी वन इलेक्ट्रॉन का चेंज, बात समझे? तो टू हो गया, एन फैक्टर टू हो गया। चलो ठीक, तो अब हम इक्विवेलेंट वेट किसका कैलकुलेट करेंगे, H2O2 का। H2O2 का मॉलिक्युलर वेट बोलो तो देखो, हाइड्रोजन का होता है 1, हाइड्रोजन 2 है, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, ऑक्सीजन भी 2 है, टोटल कितना हो गया 34, तो ये हो जाएगा 34/2। ठीक है, एन फैक्टर क्या है, 34/2, यानी आंसर आ गया 17। 17 जो होगा यानी ऑप्शन ए जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ए गैस इज फाउंड टू हैव अ फॉर्मूला COX, इट्स वेपर डेंसिटी इज 70, द एक्स इज, ठीक है, ऑप्शन ए दिया है 3.0, बी दिया 3.5, सी दिया 5.0 और डी दिया है 6.5। तो आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि एक्स की वैल्यू क्या आएगी और वेपर डेंसिटी की वैल्यू आपको 70 दी गई है और फॉर्मूला भी दिया है। तो चलो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे सर मॉलिकुलर वेट बाई जो होता है वो 2 होता है। वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट बाई 2 होता है। ठीक है, मॉलिकुलर वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो मॉलिकुलर फार्मूला इसमें दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, COX है, तो इसका मतलब X तो कार्बन है, इसमें X कार्बन है और X जो है वो कितने हैं, ऑक्सीजन है, तो भाई कार्बन का वेट कितना है, एटॉमिक वेट 12 है, और प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। इसका मतलब है कि इसका जो मॉलिकुलर वेट आ रहा है वो 28X आ रहा है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो आ रहा है वो 28X आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये हमको समझ में आ गया। अच्छा, वेपर डेंसिटी कितनी दी गई है, तो वेपर डेंसिटी 70 दी गई है, इक्वल टू हो जाएगा 28X/2 हो जाएगा, 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 140, इक्वल टू 28 into X हो जाएगा, तो X इक्वल टू हो जाएगा 140/28, तो X की वैल्यू आ जाएगी 5। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आपको समझ में आ रहा है कि आंसर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्हेन 30 लीटर ऑफ H2 एंड 30 लीटर ऑफ N2 आर रिएक्टेड, अमोनिया इज फॉर्म। ठीक है भाई, आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आपने क्या किया कि 30 लीटर जो है, 30 लीटर आपने लिया है N2 और 30 लीटर आपने लिया H2 और बना दिया क्या, अमोनिया। ठीक है, कह रहा कि द यील्ड इज़ ओनली 50%, यानी कि जितना अमोनिया बनना था उसका 50% अमोनिया जो है वो बना। चलिए ठीक है, कह रहा है द कंपोजिशन ऑफ द गैसेस मिक्सचर विल बी, इसका मतलब है कि इस गैसेस मिक्सचर का आपको कंपोजिशन बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें कि अमोनिया कितना बना होगा और फिर उससे हम ये देखें कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना बचा होगा। ठीक है ना, अब अमोनिया कितना बचा बना होगा, तो इसके लिए देखिए अगर आप रिएक्शन देखोगे तो आपको यहाँ पर केस जो होगा वो LRER का केस दिखाई देगा। LRER का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट का केस आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, चलो देख लेते हैं। अमोनिया की रिएक्शन लिखो तो N2+3H2 गिव्स क्या हो जाएगा, 2NH3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने 1 लीटर नाइट्रोजन लिया हुआ है तो 3 लीटर हाइड्रोजन लगेगा और 2 लीटर जो होगा वो अमोनिया बनेगा। तो अगर आप 10 लीटर नाइट्रोजन ले लोगे तो 30 लीटर आपका हाइड्रोजन लगेगा और 20 लीटर जो होगा वो ये बनेगा। बात समझ में आई ना, ठीक। बट आपको नाइट्रोजन कितना दिया गया, नाइट्रोजन तो आपको दे दिया गया कितना, 30 लीटर नाइट्रोजन आपको कितना दिया गया, 30 लीटर दिया गया। देखिए नाइट्रोजन 30 लीटर दिया और हाइड्रोजन कितना दिया, हाइड्रोजन भी 30 लीटर दिया। तो नाइट्रोजन क्या किया, ज़्यादा दे दिया। नाइट्रोजन क्या दे दिया, ज़्यादा एक्सेस में दे दिया। तो इसका मतलब है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, तो लिमिटिंग रिएजेंट हाइड्रोजन हो गया। नाइट्रोजन जो होगा वो एक्सेस रिएजेंट हो गया और ये जो होगा हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, इसको लिमिटेड अमाउंट में दिया भाई, अगर 30 लीटर आपको दिया जाए तो इसका 3 times यानी कि 90 लीटर जो होगा हाइड्रोजन आपको देना चाहिए। बात समझ में ना, लेकिन आपको हाइड्रोजन जो है वो सिर्फ कितना दिया गया, 30 लीटर दिया, यानी कम दिया। कम दिया का मतलब क्या हो गया कि वो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। ये बात समझ में आ गई, सही है भाई। तो अब हमको एक बात ये समझ में आई कि अगर मेरे पास में 30 लीटर हाइड्रोजन है तो उस केस में 10 लीटर ही नाइट्रोजन का यूज़ होगा। बात समझ में आई ना, और 20 लीटर अमोनिया का फॉर्मेशन होगा। लेकिन ये तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 50% अमोनिया बनी, इसका मतलब है कि अमोनिया कितनी बनी होगी, 10 लीटर। तो ये कितना यूज़ हुआ होगा, 15 लीटर। तो ये कितना यूज़ हुआ होगा, 5 लीटर। बोलो भाई,
वो कह रहा है कि यील्ड जो थी प्रोडक्ट की वो 50% थी, यानी कि 20 लीटर अमोनिया इससे बनती, लेकिन बनी कितनी 10 लीटर। इसका मतलब इसका यूज कितना हुआ, तो इसका यूज हुआ 15 लीटर, और इसका यूज कितना हुआ 5 लीटर। दिया कितना था, दिया था 30 लीटर, यूज़ कितना 5 लीटर, यानी कि 25 लीटर तो बच गया मेरे पास नाइट्रोजन। अब अगर 25 लीटर नाइट्रोजन का केस देखो तो एक ही आपको दिखाई देता है, आंसर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। बट चलिए हम क्वेश्चन को पूरा पूरा देख लेते हैं। ये आपको कितना दिया था, ये आपको 30 लीटर दिया था, 15 लीटर जो था, 30 लीटर दिया था, 15 लीटर आपने यूज़ कर लिया, बचा कितना 15 लीटर, यानी 15 लीटर हाइड्रोजन जो है वो आपके पास बच जाएगा। और अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया जो होगा वो 10 लीटर बनेगा, तो अमोनिया जो होगा वो 10 लीटर मिल जाएगा, यानी जो गैसेस मिक्सचर होगा उसमें आपके पास भी ये कंपोजिशन आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, जिसमें 25 लीटर जो होगा नाइट्रोजन और 15 लीटर हाइड्रोजन और 10 लीटर अमोनिया जो होगा वो बचा हुआ होगा और वही मिक्सचर में आपको दिखाई देगा। आंसर इसका डी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, ऑप्शन ए 6.023 × 10²³, बी 12.046 × 10²³, 3.0115 × 10²³, और इनडेफिनिट बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले अगर हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, तो उस केस में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि भाई मोल कितने हैं। तो यहाँ पर इन अ मोल बोल रहा है, यानी कि 1 मोल बोल रहा है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अब एन ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का मतलब कितना, 6.022 × 10²³ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। अच्छा अब अगर मैं, मुझे क्या पूछा है, मुझे पूछा है इलेक्ट्रॉन है, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन बता दो भाई, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 6.023 × 10²³ × 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। एंड 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात करोगे तो ये 2 एटम से मिलके बना है, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा 6.023 × 10²³ और इंटू हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.046 × 10²³ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो यानी आंसर जो आपका करेक्ट होगा वो बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इन ए रेडॉक्स रिएक्शन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट रिक्वायर्ड पी ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द वैल्यू ऑफ पी इज 1, 2, 3 और डिपेंड्स ऑन द रिएक्शन। तो देखिए किया क्या हुआ, ये है कि आपने क्या किया है कि रिड्यूसिंग एजेंट लिया है कितना 1 ग्राम और उसकी रिएक्शन करा दी है पी ग्राम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, ठीक है ना। रिएक्शन में आपसे रिडॉक्स रिएक्शन हुई है जिसमें आपने रिड्यूसिंग एजेंट लिया है 1 ग्राम और उसकी रिएक्शन करा दी है पी ग्राम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ। अब वो कह रहा है कि पी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, यानी कि पी की वैल्यू आपको बतानी है, तो हम यहाँ पर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है हमसे, ये कहता है कि इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक। अब इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने हैं, पी हैं, और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, 1 है, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है ना। इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो कितना है, पी है, ठीक है, और इक्विवेलेंट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट कितना है, 1 है। देखिए 1 ग्राम इक्विवेलेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ग्राम इक्विवेलेंट लिखें, यानी इक्विवेलेंट इन ग्राम, या मतलब इक्विवेलेंट इन ग्राम कहते हैं, हम यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर पी की वैल्यू जो आ रही है वो क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो आंसर जो होगा वो ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द वेपर डेंसिटी ऑफ ओजोन इज, ओजोन की वेपर डेंसिटी को कैलकुलेट करना है, 16 है, 32 है, 24 है और 48 है। अब एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, आप आसानी से इसका आंसर ला सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए वेपर डेंसिटी जो होती है ये इक्वल टू होती है मॉलिकुलर वेट बाई 2, ठीक
ठीक है ना, हाइड्रोजन से इसको कंपैरिजन किया गया है, हाइड्रोजन गैस से कंपेयर किया गया, तो ये मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है वेपर डेंसिटी। अब ओजोन का मॉलिक्यूलर वेट पता कर लो, तो देखो ओजोन का क्या होता है, O3 होता है, O3 में कितना ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, इसका 16, इसका 16, इसका 16, टोटल कितना हो गया, 48 हो गया, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट हो गया 48 बाई कितना कर देंगे 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 24। तो यहाँ पर जो आएगा वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ओजोन की वेपर डेंसिटी जो है वो 24 आएगी। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1.52 ग्राम हाइड्रोक्साइड ऑफ ए मेटल ऑन इग्निशन गेव 0.995 ग्राम ऑफ ऑक्साइड, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज, तो 1.52 है, 0.995 है, 9190 है और 9 है, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे इसको ज़रा देखते हैं। देखिए आपसे क्या कह रहा है, आपसे ये कह रहा है कि भाई एक हाइड्रोक्साइड है और उस हाइड्रोक्साइड को आपने क्या किया, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, मेटल हाइड्रोक्साइड है और वो मेटल ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है ना, मेटल ऑक्साइड कोई भी फॉर्मूला हो सकता है, मेटल ऑक्साइड में बदलना है, ठीक है ना। तो कितना है मेटल हाइड्रोक्साइड, तो 1.52 ग्राम मेटल हाइड्रोक्साइड है और ये जो होगा वो 0.995 ग्राम जो है मेटल ऑक्साइड में बदलना है, देन आपको इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल बताना है। तो आपने कंसिडर कर लिया कि भाई लेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज ई, आपने मान लिया कि भाई इक्विवेलेंट वेट मेटल का कितना होगा, ई होगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड मेरे को बता दो जरा, तो आप बोलोगे कि सर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल और प्लस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई हो गया और प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्साइड क्या होगा, 17/1। 1 कैसे, मतलब इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, एक्चुअली इक्विवेलेंट वेट जो होता है, इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर होता है, वेयर एन फैक्टर इज द चार्ज ऑफ है, तो चार्ज होगा इसका कितना 1 है, तो और इसका मॉलिक्यूलर वेट आप ले लो तो ऑक्सीजन का कितना 16 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो टोटल कितना हो गया 17, तो 17/1 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये वैल्यू जो आ गई वो ई प्लस 17 आ गई, क्या, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो फिर इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड क्या होगा, तो ये भी इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल होगा प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल तो ई हो गया और ऑक्साइड का क्या होगा, ऑक्साइड का एटॉमिक वेट जो होगा, ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16 होता है, इसमें चार्ज कितना दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया, 8, यानी ये ई प्लस 8 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड जो होगा वो आपका ये आ जाएगा, सही, ठीक है। अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, आप इसको इससे चेंज कर रहे हो, तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस आपसे ये कहता है कि इसके इक्विवेलेंट इक्वल टू इसके इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो हम यहीं पर लगा देंगे क्या, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगा देंगे, तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। देखिए मेटल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला चाहे कुछ भी हो, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला कुछ भी हो, जब आप एन फैक्टर को इन्वॉल्व कर ले रहे हो तो आप उसको जनरल एक फार्मूले में MOH और MO लिख सकते हो, ठीक है ना। सपोज किसी, अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि सर हम यहाँ पर MO अगर बना रहे हैं तो ये MOH होल ट्वाइस होना चाहिए, तो मैं एक जनरल फार्मूले की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर किसी फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूँ। इक्विवेलेंट में आप एन फैक्टर को इन्वॉल्व कर लेते हो तो फार्मूले से आपको मतलब नहीं रहता है उतना, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ मेटल ऑक्साइड। अब इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो देखिए आपको वेट दिया हुआ है, अगर वेट से आप इक्विवेलेंट को चेक करो तो वेट बाय इक्विवेलेंट वेट होता है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है क्या, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अच्छा ये इक्विवेलेंट वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका है, मेटल हाइड्रोक्साइड का, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट किसका होगा, मेटल ऑक्साइड का, ठीक है। अच्छा अब मेटल हाइड्रोक्साइड का वेट दिया है, हाँ भाई दिया है, तो कितना दिया है, तो ये वैल्यू होगी 1.52। क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड पता है, हाँ पता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड ई प्लस 17 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई प्लस 17 इक्वल टू, क्या वेट हमको दिया हुआ है मेटल ऑक्साइड का, हाँ दिया है, 0.995 ग्राम दिया हुआ है, तो 0.995 हो जाएगा, बाई क्या इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्साइड पता है क्या, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल ऑक्साइड पता है, ई प्लस 8 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी ई प्लस 8। अब ये इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.52 ई हो जाएगा और प्लस 1.52 इंटू 8 हो जाएगा इक्वल टू आपका हो जाएगा जाके 0.995 ई
और प्लस हो जाएगा 0.995 × 17, सही है ना। ठीक, अब ई वाला एक साथ ले लो तो ये हो जाएगा आपका 1.52e माइनस होगा 0.995e, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा 0.995 × 17 और माइनस हो जाएगा आपका 8 × 1.52। आप इसको सॉल्व कर लेना और सॉल्व करने के बाद में जब आप इसका आंसर लाएंगे तो ये आंसर जो होगा वो 9.057 आएगा। ये अगर आप इसमें ई की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 9.057, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी जो 9 है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ द एटॉमिक वेट एंड द स्पेसिफिक हीट ऑफ एनी एलिमेंट इज कांस्टेंट अप्रॉक्सीमेट 6.4, दिस इज नोन एज। ऑप्शन ए डाल्टन्स लॉ, ऑप्शन बी है अवोगैड्रोस लॉ, ऑप्शन सी है न्यूटन्स लॉ और ऑप्शन डी है ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। तो देखिए, आपको एक बातें समझ में आती है कि एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट का जो रिलेशन दिया था वो किसने दिया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने दिया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट ने दिया था। और एक्चुअल में सॉलिड के लिए इन्होंने दिया था, जो सॉलिड स्पीसीज हैं या सॉलिड कंपाउंड्स हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए क्या था। तो यहाँ पर यह था कि एटॉमिक वेट इंटू स्पेसिफिक हीट, अगर आप एटॉमिक वेट और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेट जो है वो 6.4 आती है। और यहाँ से हम स्पेसिफिक हीट को कैलकुलेट कर लेते थे, बट ये रूल जो है वो फेल हो गया था डायमंड के लिए। डायमंड की जो होती है वो हाईली स्पेसिफिक होता है, डायमंड जो है वो हाईली स्पेसिफिक हीट को रखता है और इसको एक्सप्लेन करने के लिए में ये फेल हो गया था। तो ये जो है वो ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ है, ठीक है ना। तो डायमंड की स्पेसिफिक हीट को ये नहीं बता पाया था, कौन नहीं बता पाया था, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ, ठीक है ना। तो इसलिए आंसर जो होगा वो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, कंजर्वेशन ऑफ मास है, मल्टीपल प्रोपोर्शन है, कांस्टेंट कंपोजिशन। तो पहले चारों जरा एक मिनट के लिए बस समझ लेंगे और उसके बाद बात करें। देखिए, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है वो आपसे ये कहता है कि आपके पास अगर 3 एलिमेंट हैं और उनमें 2 एलिमेंट आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे CO जो है कार्बन इसके साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बना रहा है, और कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके सपोज करिए CH4 बना रहा है। देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्शन करेंगे तो उनमें यही रेशियो आएगा जो कि इसके कार्बन के साथ है। तो देखिए, कार्बन के यहाँ पे कितने मोल है, 1 मोल है, यहाँ पर भी कितना, 1 मोल है। तो हाइड्रोजन कितने मोल है, 4 है। तो हाइड्रोजन का मतलब कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 4, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2, यानी H4O2 जो होगा वो यहाँ पर बनेगा, ठीक है। ये रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, बट आपको देखिए, आप इसे कह रहे हैं कि CO एंड CO2 की बात कर रहा है, तो CO एंड CO2 यानी 3 एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं है। जब 3, भाई इसके लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए ना रेसिप्रोकल के लिए, तो रेसिप्रोकल के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिए, यानी ये नहीं होगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है ये कि जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना टोटल मास प्रोडक्ट का होगा। बस में मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होगा, बट ये तो फॉर्मेशन की बात कर रहा है, CO एंड CO2 का जो फॉर्मेशन है वो किसको बता रहा है। तो जैसे सपोज करिए आपने CO2 का फॉर्मेशन कर लिया और फिर CO का फॉर्मेशन किया, तो इन दोनों का मास जो होगा उसका कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेशन थोड़ी ना है। वो तो ये कहता है कि रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, रिएक्टेंट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास, तो प्रोडक्ट का मास इक्वल टू प्रोडक्ट का मास थोड़ी ना कहता है, वो इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। तो फिर आपको एक बात समझ में आ गई कि ये भी जो होगा वो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं लगेगा। अब आ जाते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखिए, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट होता है उसका फिक्स मास होता है, एक एलिमेंट जो होता है उसका फिक्स मास होता है और वो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करता है, और डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करके डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। मल्टीपल प्रोपोर्शन में ये होता है कि एक एलिमेंट जो होता है उसका मास फिक्स होता है और वो दूसरे एलिमेंट के डिफरेंट मास के साथ रिएक्शन करता है और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो जो डिफरेंट एलिमेंट है उसका मास जो होता है उसका रेशियो जो होता है एक सिंपल रेशियो होता है, जैसे यहाँ पर 1:2 का रेशियो आप देख रहे हो जिसका ऑक्सीजन का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि सी जो होगा वो करेक्ट होगा, कि सी जो होगा वो मल्टीपल प्रोपोर्शन को बता रहा है कि द फॉर्मेशन ऑफ CO एंड CO2 फॉलो दिस लॉ, यानी कि मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब कॉन्स्टेंट कंपोजिशन, तो देखिए कांस्टेंट कंपोजिशन आपसे ये कहता है कि ये CO2 को आप किसी भी मेथड से बना रहे हो, CO2 को आप किसी भी मेथड से बना रहे हो। जैसे आपने कहा कि हम सर C+O2 से CO2 बनाएंगे, ठीक है, आपने बोला कि सर हम क्या करेंगे NaHCO3 जो होगा उसको ब्रेक करके बनाएंगे, ठीक है ना।
तो किसी भी मेथड से अगर आप CO2 बना रहे हो तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बाय मास होता है वो क्या होता है, फिक्स मास होता है, बस में ये कांस्टेंट कंपोजिशन होता है। तो उस हिसाब से आपको समझ में आ रहा है कि ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल की बात करी गई है जबकि यहाँ दो मॉलिक्यूल की बात की गई है और दो मॉलिक्यूल को बनाने के लिए सिर्फ एक ही मेथड आपको समझ में आ रहा है वो क्या है, सी है, मल्टीपल प्रोपोर्शन। आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.004 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इज क्लोज टू, ऑप्शन ए दिया है 24, बी दिया 2×10^20, सी दिया 10^20 और डी दिया 6.02×10^23। आपको क्या पता करना है, नंबर ऑफ एटम्स पता करने, किसके पता करने, मैग्नीशियम के पता करने हैं, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ एटम्स पता करने किसके, मैग्नीशियम के पता करने। अच्छा एक बात बताओ कि नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे अगर मैं बताऊं वो बात करूं तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, यानी मैग्नीशियम के मोल पता चल जाए और उससे हम एन ए से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने इसके एटम्स होंगे। चलो ठीक है, अब मोल्स क्या हो जाएगा, वेट दिया हुआ है और एटॉमिक वेट इसका पता है आ जाएगा भाई। तो मोल्स इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ मैग्नीशियम बाय एटॉमिक वेट ऑफ मैग्नीशियम और इनटू क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। मैग्नीशियम का वेट कितना है, तो मैग्नीशियम का वेट 0.004 है भाई, एटॉमिक वेट कितना है, तो एटॉमिक वेट मैग्नीशियम का 24 है और इनटू क्या हो जाएगा, एन ए। एन ए को मैं 6×10^23 लिख रहा हूँ, ठीक है, कन्वीनियंस के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या हो जाएगा, ये 4 जा हो जाएगा और यहाँ से 4 ये 1 जा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, इसको क्या लिख सकते हो, 0.001×10^23 लिख सकते हो, यानी कि 10^-3×10^23 लिख सकते हो, यानी कि 10^20 लिख सकते हो, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ रहा है कि आंसर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, 10^20।